This session is being recorded, and this is Sibo Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor, and today you have a second day with me, and it's going to be your second lecture with me. अगर आज आप दोपहर के सेशन में मेरे साथ नहीं थे तो आपने बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातों को मिस कर दिया जो मैं आज के सेशन में रिपीट करूंगा और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, राइट? याद रखें, जहन में रखें कि बेटा आपको अगर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है, आई ऑलवेज एडवाइस यू टू ज्वाइन मी फर्स्ट ऑन वर्कशॉप. ज्वाइन वर्कशॉप फॉर 3 days, मंडे, ट्यूजडे एंड वेडनेसडे, एंड देन ज्वाइन माई ऑफिशियल क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट डेट्स, राइट? स्पोकन इंग्लिश की जो वर्कशॉप्स होती हैं वो 2 टाइमिंग्स पर हम कंडक्ट करते हैं, 1 4 से 5 और 1 7 से 8. और अगर आप आइल्स प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं तो रात 10 से 11 का सेशन आइल्स प्रिपरेशन के हवाले से होता है आज. और उसके बाद कोर्स कॉन्टेंट, सर वॉट डू यू टीच इन स्पोकन इंग्लिश? वी टीच यू दोज थिंग्स विच रियली हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर स्पोकन स्किल्स. फर्स्ट लेवल हेल्प्स यू टू गेट फ्लुएंसी, फर्स्ट लेवल हेल्प्स यू टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, लेवल 2 एंड लेवल 3 हेल्प यू to minimize and reduce your errors. आपको ऐसा लगता है कि आपको tenses आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको basics आती है, आज का session मेरे साथ basic lecture है. आज बिल्कुल sentence formation पे हम बात करेंगे, sentence variation पे हम बात करेंगे. आप देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि क्या ये बातें आपको पता हैं, क्योंकि आज आप लोगों का second lecture है मेरे साथ, ठीक है? उसके बाद जो क्लास टाइमिंग्स हैं ये ज़रा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्लास टाइमिंग्स को लेकर थोड़ा सा परेशान रहते हैं. सर हाउ इज इट पॉसिबल टू अटेंड सो मैनी क्लासेस? आपको कम से कम अपनी जिंदगी के 2 घंटे मुझको देने हैं, सुबह में 10 से 12, दोपहर में 3 से 5 और रात में 8 से 10. 2 घंटे अगर और दे सकें तो सुबह में और शाम में आप दे सकते हैं. 1-to-1 डिस्कशन सेशन इस वक्त चल रहा है, एक 1-to-1 डिस्कशन सेशन, एंड देयर आर अप टू 30 स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड दे आर हैविंग 1-to-1 डिस्कशन, जिसका डेमो मैंने आज आपको दोपहर में भी दिया था कि हाउ वी कंडक्ट दैट सेशन. स्क्रीन शॉट ले लें, टाइमिंग को नोट कर लीजिए. फी आप तमाम स्टूडेंट्स को हम बता चुके हैं. 2024 का जो हमारा फी प्लान है वो हमने अनाउंस कर दिया है, और इसी प्लान के मुताबिक हमारे अब आज आने वाले सारे सेशंस आपको मिलेंगे. आप लेवल 1 1 महीना पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़िए. कुछ बच्चों की ख्वाहिश होती है कि सर आई जस्ट वांट टू गेट फ्लुएंसी, आई जस्ट वांट 1 मंथ कोर्स, मुझे 1 महीने का कोर्स चाहिए जिससे मुझे फ्लुएंसी मिल जाए. हमारे कोर्स जिस तरह से हमने डिजाइन किया है ना, अगर आप इस ये देखें तो जो मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे है, ये वो कोर्स कंटेंट है स्पोकन इंग्लिश का और डिस्कशन का, विच रियली हेल्प यू टू गेट फ्लुएंसी एंड वी आल्सो हेल्प यू टू मिनिमाइज योर एरर्स. और उसके अलावा फिर आप थर्सडे फ्राइडे आते हैं तो थर्सडे फ्राइडे में आपको डिस्कशन सेशंस मिलते हैं, प्लस आपको ग्रामर क्लास मिलती है. ग्रामर क्लास हेल्प्स यू टू बिल्ड टू इम्प्रूव योर नॉलेज, एंड स्पोकन क्लास helps you to speak in English. अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती, आप नहीं बोल सकते, तो मेरी स्पोकन क्लासेस आपकी बहुत मदद करेंगी. मैं आपको उस वक्त तक लेवल 1 पर रखूंगा जब तक मुझे लगता है कि हर बच्चा बोलना शुरू नहीं कर देता. मेरे पास स्पोकन क्लास के लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जैसे ग्रामर क्लास में भी लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, और ये दोनों क्लासेस एक दूसरे से लिंक होती है. वट एवर यू स्टडी इन लेवल 1 इन ग्रामर क्लास, यू जस्ट प्रैक्टिस इट आउट इन योर स्पोकन क्लास. और जिसने लेवल 1 से अंग्रेजी बोलना शुरू कर दी तो लेवल 2, लेवल 3 में तो लाजमी तौर पर वो बोल रहा होता है. अगर आप लेवल 1 से आपकी जबान नहीं खुलती तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि लेवल 2 पर जाकर आपकी जबान खुले, बिकॉज लेवल 1 इज द इजिएस्ट वन एंड इट हेल्प्स यू टू गेट फ्लुएंसी. जब उस लेवल का मकसद ही आपको फ्लुएंसी देना है और अगर 1 महीने में नहीं आती है तो इसका मतलब है यू आर मेकिंग अ मिस्टेक समवेयर, ठीक है? हमारा जो फी मेथड है वो यही है, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ. आप 1 मंथ की फीस सबमिट करवाना चाह रहे हैं, 4,000 प्लस 1,000 एडमिशन फीस, 5,000 आपको कम से कम पे करना पड़ेगा और इस सेशन की आपको एक्सेस मिल जाएगी.
आप लेवल 1 2 3 तीनों महीने की फीस सबमिट करवाना चाह रहे हैं, आपकी एडमिशन फीस माफ हो जाएगी। आप टोटल 7,000 रुपीज सबमिट करवाएंगे और 3 मंथ्स की एक्सेस ले लें। इसमें ऑलमोस्ट आपको 40% 45% आपकी फीस ऑफ हो जाती है लेवल 1 2 3 अगर आप ज्वाइन करते हैं। अगर सर मैं भी आपको लेवल 1 की फीस पे कर दूं 5,000, तो उसके बाद मुझे क्या पे करना पड़ेगा? उसके बाद अगर आप लेवल 2 और लेवल 3 को कंटिन्यू कर दें तो आपका रिमेनिंग अमाउंट सिर्फ 3,000 होता है। आप वो पे कर आप लेवल 2 और लेवल 3 की एक्सेस ले सकते हैं। तो जो समझदार बच्चे हैं, अकलमंद बच्चे हैं, वो 7,000 सबमिट करवाते हैं और वो 3 मंथ्स की एक्सेस ले लेते हैं। आपको एक और अच्छी बात बता दूं, 3 मंथ्स की एक्सेस आपको मिलती है ग्रामर, स्पोकन और डिस्कशंस की। ये लेकिन ये जो 1 to 1 डिस्कशन सेशन है, इसकी आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। आज मैं बहुत नाराज हुआ तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, जो प्रीवियस 6 मंथ्स के मेरे जितने भी बैचेस खत्म हुए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 महीने में तकरीबन 800 बच्चे पढ़ के मेरे पास गए हैं। उन सबको मैंने आज बहुत सख्त मैसेज किया तो आज सबके रिप्लाई है, नहीं सर हम लेंगे। भाई आपको देखिए बेटा, एक बात जहन में रखें, 3 महीने तो अभी सीखना है। अगर आप ये सोचते हैं, अगर आपके जहन में ये कहीं पर बात है दैट मुझे 1 महीने का कोर्स करना है, 2 महीने कर लूं, 3 महीने कर लूं, मत करो। मैं कहता हूं मत करो। फिर अगर तुम ये सोचते हो कि बस अब जिंदगी में मैं अंग्रेजी बोलती ही रहूं, तो फिर लैंग्वेज को सीखो। अभी मेरी छुट्टियां हैं, चलो मैं कुछ सीख लेती हूँ। मत सीखो, हम पर कोई एहसान ना करो, अपना वो पैसा किसी गरीब को दे दो, उसकी दुआ काम आएगी, तुम्हारी अच्छा रिश्ता हो जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कहता हूँ अगर आपको लैंग्वेज लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, आप समझते हैं कि आपने 3 महीने कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, नहीं भाई, 3 महीने तो स्टार्टिंग है। जब भी बेटा मैंने आपको 1 to 1 डिस्कशन के लिए दे दिया लाइफ टाइम, आप सुबह में 12 से 1 और शाम में 7 से 8, जिंदगी भर 1 घंटा हमारे साथ जुड़े रहना, छोड़ना नहीं। देता है ये कोई ऑफर, बता दो, ढूंढ कर दिखा दो, ले आओ पाकिस्तान में चिराग लेके ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। 8,000 7,000 रुपये में आपको मिल रहे हैं 8 घंटे का लाइव सेशन, और क्या चाहिए? 9 डिफरेंट टीचर्स। और आपसे हम बहुत मुखलिस हैं, बहुत सिंसियर हैं कि आप सीखें, लेकिन बस हमारी फॉर्म चाहती है कि सब कुछ फ्री में मिल जाए। बेटा फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, फ्री हैज नो वैल्यू, फ्री हैज नो वर्थ। मैंने फ्री भी पढ़ाया है, लेकिन उस सेशन के अंदर क्या हुआ, 500 बच्चे बैठे हुए थे, अगले दिन 200, उसके बाद 50, उसके बाद गायब। फ्री हैज नो वर्थ, सीखना है तो पैसे देने पड़ते हैं। और पाकिस्तान का सस्ता तरीन लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है, जो आपको घर बैठे आपको लैंग्वेज सिखाने की पूरी श्योरिटी देता है, बशर्ते कि आप 3 महीने रेगुलर पढ़ें और उसके बाद 3 महीने प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आप ऐसा करते रहेंगे, 6 महीने बाद आप अपना एक लैंग्वेज प्लेटफॉर्म रन कर सकते हैं। बस आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है बेटा, कोर्स कंटेंट क्लियर हो गया, टाइमिंग क्लियर हो गए, फीस क्लियर हो गई है, और आज का दूसरा लेक्चर आपकी स्क्रीन पर आ गया। मुझे कंफर्म कीजिएगा तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है और मेरी स्क्रीन भी आपको विजिबल है। ऐसे ही है, चल तो वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जा। आपको पता है आज मैंने आयल्स के स्टूडेंट्स को भी दावत दी हुई है, क्योंकि आयल्स के जो राइटिंग और स्पीकिंग में मार्क्स होते हैं, जो मार्किंग स्कीम होती है कि आपको किस चीज के मार्क्स मिलते हैं, तो उसमें से ये एक पूरा टॉपिक है जिसके आपको मार्क्स मिलते हैं। तो दैट्स व्हाई आई हैव स्पेशली इनवाइटेड स्टूडेंट्स ऑफ आइल्स, बिकॉज इफ दे डोंट हैव वेरिएशन इन अ सेंटेंस, दे विल नॉट बी एबल टू स्कोर 7+ इन आइल्स। आई एम 100% श्योर ऑन दिस स्टेटमेंट। आपके पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सारा कॉल्स मी एवरी डे। हर बच्चा एक सेंटेंस बोल सकता है, लिख सकता है, ये मैं मानता हूं। आपके तमाम स्टूडेंट्स के पास जो वेरिएशन ऑफ सेंटेंस में से वेरिएशन आपके पास मौजूद है, वो कौन सी वेरिएशन है? सिंपल।
ऐसे ही, और इस सिंपल सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, कह सकते हैं या नहीं कह सकते, आपके माइक के कंट्रोल्स भी आपके पास आ गए हैं। यस सर, बिल्कुल यस सर कह कह सकते, सकते हैं, यस चल ऐसी क्लास में, सर कह सकते हैं, यस सर एग्जैक्टली हम बिल्कुल बोल कह रहे सकते। हैं। अच्छा, अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम जोड़ दें, अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी कि देखिए, दो वी टॉक फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे बातें करते हैं, सारा कॉल्स मी एवरी डे, सारा मुझे रोज कॉल करती है, हम 2 घंटे बातें करते हैं, बेगम को नहीं पता, जिस दिन पता चल जाएगा मसला होगा। अब यहां पर गौर से देखिए, यहां पर अब देखिए क्या आ गया, कंजंक्शन। आज दोपहर के सेशन में हमारी बात ही इन वर्ड्स पर हुई थी कि लिंकिंग वर्ड्स जिन्हें कहा जाता है। आप जब भी दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो आपको कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। अब आप देखिए, कंपाउंड सेंटेंस बनता ही नहीं है हमारी आवाम से, वाई, कंजंक्शंस की नॉलेज ही नहीं है। तो सर की, अब देखिए, अगर आप सर का पढ़ाने के अंदाज को मॉनिटर करें, सर को पता है कि अगर ये बात स्टूडेंट को नहीं आती तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। जब भी कहा था कि सबसे पहले कंजंक्शंस पे काम कर लें, 1 घंटे का लेक्चर है, आप उस कंजंक्शन के लेक्चर को इत्मीनान से सुनिए, उसके बाद उसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व कीजिए, टेस्ट आपके पास आ चुका है, इस टेस्ट में अपेयर हो जाइए, ताकि आप कंपाउंड सेंटेंसेस क्रिएट कर सके। कंपाउंड सेंटेंस कैसे क्रिएट होता है, जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद मुझे कौन बताएगा, देखते हैं क्लास का जहीन तरीन स्टूडेंट कौन है। वो बच्चे हैंड रेस कर लीजिएगा जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेरी क्लास में। इफ माई वाइफ कम्स टू नो, इफ माई वाइफ कम्स टू नो, मुझे बताइएगा, मैं इस नौशीन बताइएगा, इस सेंटेंस को मैं क्या कहूं। If my wife comes to know, ये सिंपल सेंटेंस है, कह दो इसको सिंपल। फायजा बताइए, सैरिश बताइए, ये जी सर, ये इट्स नॉट ए डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट, ये कौन सा इफ माय क्लॉज, वाइफ कम्स टू नो, डिपेंडेंट क्लॉज है सर ये। ये चीज यानी कि अगर आपने मेरा पहला लेक्चर अटेंड किया था कल, और अगर जिन्होंने नहीं किया था, मैंने रिकॉर्डेड भी शेयर किया था, आप लाजमी तौर पे सुन लें, कल मैंने डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बताया था। इफ, व्हेन, अंटिल, एज सून एज लॉन्ग एज, जब हम यहां से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो ये सेंटेंस डिपेंडेंट होता है। अगर आप डिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ देते हैं तो आप देखिए, आप कहेंगे, सर ये जुमला इस्तेमाल तो करते हैं, आज पता चला है कि इसको क्या कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अच्छा, ये इस्तेमाल तो होता था, कॉम्प्लेक्स, मान ले मेरी बात कि ये इस्तेमाल होता था। हम, व्हेन यू कम ऑन टाइम, व्हेन यू कम ऑन टाइम ही विल अप्रिशिएट यू, ये जुमला तो इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यस सर हम करते हैं, लेकिन और ये ऊपर हमें वाला पता नहीं है पता नहीं कॉम्प्लेक्स है। कि कॉम्प्लेक्स है, और मुझे भी हकीकत बता रहा हूँ, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कोई बहुत मुश्किल बात है, लेकिन किसी ने बताई नहीं। लेकिन अब अगर एक बात आसान सी बात है, ये कोई बताता ही नहीं है, या बताने का तरीका नहीं पता। यहां तक तो बात यस सब तमाम बच्चों को समझ आ गई है, सिंपल कंपाउंड सर, कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं, सिंपल सेंटेंस आपके सामने आ गया, सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज और वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। बात बिल्कुल समझ आ गई है सर, कोई भी एक सेंटेंस जो अपने आप हमारे सामने खड़ा हो सके। सर हसीब टीचेस अस, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, आई स्पीक इन इंग्लिश, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज और
सिंपल सेंटेंस, एक ही चीज के तीन नाम आपके दिमाग में आ गए, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस, शायद ये फॉर्मेशन आपको याद रहेगी, अगर आप इस तरह से देखेंगे तो शायद आप लोग याद रखेंगे कि जिस तरह से मैंने इसको लिख दिया है। कंपाउंड सेंटेंस इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस। दो सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस लगा दीजिए, तीन लगा दीजिए, तीनों को आप जोड़ दीजिए, आपका कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की पेशन गोई पहले ही कर दी थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी, वो प्रॉब्लम क्या थी, कंजंक्शंस। कंजंक्शंस के बारे में अगर आप मेरी बात से एग्री करें तो हमसे कंपाउंड सेंटेंस बनाने में गलतियां होती हैं, क्योंकि हमें कंजंक्शन सिर्फ एंड और बट ही पढ़ाया नहीं है, बस यही हमने सुना है। लेकिन आज हमें पता चल रहा है हकीकत में कि कंजंक्शन की कितनी अहमियत है हमारी जिंदगी में, और हमें पहला स्टेप, देखो फ्लुएंसी नहीं आएगी, स्पीकिंग में फ्लो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जुमले जोड़ने के लिए आपको कंजंक्शन ही चाहिए। तो अब बताओ, आज रात सोने से पहले, कल सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज क्या स्टडी करोगे? कंजक्शन कंजंक्शंस। कंजक्शन इसको दूसरा आसान नाम है लिंकिंग लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स, वर्ड्स आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम ग्रोसरीज, शी लव्स प्लेइंग सॉकर बट ऑल्सो एंजॉय स्विमिंग। आपको पता है मेरे पास ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है, मैं अभी करवाऊं आप लोग बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन हकीकत में कोई फायदा नहीं होगा। हकीकत में जब आप इन द लॉन्ग रन आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी भी आपके अंदर कितनी कमजोरियां बाकी हैं। लेकिन मैं जिस तरह से मैंने ये लैंग्वेज कोर्स डिजाइन किया है, आफ्टर 3 मंथ्स यू मे नॉट हैव एनी वीकनेस इन यू, और जहां पर आपको वीकनेस नजर आएगी आप उसको खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे, अबे यार मेरा मसला ये है, मुझे कंजंक्शंस में अभी भी प्रॉब्लम है, प्रेपोजिशंस में अभी भी प्रॉब्लम है, आर्टिकल्स में अभी भी प्रॉब्लम। तो बेटा इसको डे वन से काउंटर अटैक करना है, डे वन से फोकस करना है कि अच्छा देयर फोर आ रहा है, अच्छा और सो। तो मैंने आपसे एक लेक्चर शेयर कर दिया है कंजंक्शंस में, और पीडीएफ भी शेयर कर दिया, उसको चेक कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। अ डिपेंडेंट क्लॉजेस रिलाइज ऑन एंड ऑन दैट इंडिपेंडेंट क्लॉज टू फॉर्म अ कंप्लीट थॉट। आफ्टर आई फिनिश माय वर्क, बात अधूरी है लेकिन इसको मुकम्मल करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो फिर ये बनेगा आपका मुकम्मल सेंटेंस, और इस सेंटेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कभी भी आप इंग्लिश कॉम्प्लेक्स के टीचर के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे कुछ पहले शुरू में यही सवाल पूछ लिए जाते हैं, डिफाइन वेरिएशन ऑफ सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हर कोई जानता है पढ़ा लिखा इंसान के, ये एक एवरेज एवरेज लर्नर को ये नहीं पता कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या हो। शी एट डिनर, ये है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। वाइल वॉचिंग हर फेवरेट टीवी शो, ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। अगर आपने कल का टेस्ट दे दिया होगा, एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होगी, तो लाजमी तौर पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर, ठीक है, चले, कॉम्प्लेक्स यस सर, क्लियर हो गया। अब आइए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर गौर से देखिए आपको क्या दिख रहा है। शी वेंट टू द स्टोर, ये बीच में आपने लगाया कंजंक्शन और आपने जुमले को जोड़ दिया, तो ये तो बन गया आपका, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या बन गया, कंपाउंड 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 सेंटेंस, कंपाउंड क्योंकि सेंटेंस बीच में कंजंक्शन आ रहा है। लेकिन आगे हमने जोड़ दिया एक डिपेंडेंट क्लॉज।
बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। अब जब भी इसको हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का नाम आपको समझ आ रहा होगा कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं। देखिए, दो कंपाउंड कंपाउंड सेंटेंस आ गया, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा किसकी मदद से, बट की मदद से, और उसके बाद हमने क्या लगा दिया, डिपेंडेंट क्लॉज। दिस इज हाउ यू मेक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। आइए एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। मुझे बताइएगा, चैट में बताइएगा, आपकी चैट सॉल्व हुई हुई है। वन डॉट करके लिखिएगा, शी लव्स टू सिंग, ये क्या है, सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स? सिंपल सेंटेंस बेटा, सिंपल की उर्दू क्या, मैं बताऊं आपको, सादा जुमले, सीधे सीधे जुमले, ठीक है। इससे ज्यादा मैं उर्दू में बात कर लेता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो वर्ड्स लिखे हुए इनकी उनके तर्जुमे हम आपको नहीं देते। आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम ग्रोसरीज। आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम ग्रोसरीज। टू डॉट करके लिखिएगा कि क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, इसमें आपको कंजंक्शंस लिखे हुए नजर आएंगे, तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिएगा। थ्री डॉट करके लिखिए, तीसरा क्या है, आफ्टर आई फिनिश माई वर्क आई विल गो फॉर अ वॉक। आफ्टर आई फिनिश माई वर्क आई विल गो फॉर अ वॉक। आफ्टर आई फिनिश माई वर्क आई विल गो फॉर अ वॉक। आफ्टर आई फिनिश माई वर्क आई विल गो फॉर अ वॉक। मेरे बेटा जो आठ मेरी पूरी टीम मेंबर्स काम करते हैं ना, देयर आर एट टीम मेंबर्स, दे स्पीक 24/7 इन इंग्लिश, ठीक है ना। तो आई नो माई अनियन, मतलब ये एक idiom है, मुझे अपना काम पता है, हाउ टू टीच इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाती है। सो आई इफ आई वर डिलीवरिंग माई यूनिवर्सिटी लेक्चर आई वुड टॉक टू यू इन इंग्लिश, बट हियर आई एम टॉकिंग टू लैंग्वेज लर्नर्स who are learning this language. So if they don't understand my concepts, how they are going to be a part of my class? And if you think that you can understand me, but you cannot speak in English, so you are the same one, because in Pakistan, everybody understands, but nobody speaks. But for making someone understand grammar rules, you have to speak in English. You have to speak in Urdu. Right? In both mediums, you have to deliver your lecture. He likes to play basketball, but he does not enjoy football. Bataiye. Let me know. He likes to play basketball, but he does not enjoy. It's a compound sentence. Are you sure? Yes, sir. I'm absolutely sure, sir. That's very good. इसी तरह से बेटा ये पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। सॉल्व करने के बाद आप अपने आंसर्स को टैली कर लीजिएगा, ठीक है, कर लेंगे, रात सोने से पहले करनी है ये। मैं जो भी पढ़ाता हूँ ग्रामर में, उसी दिन उसी रात उसके फौरन बाद सेशन के बाद एक्सरसाइज सॉल्व किया करें, ठीक है। अच्छा, अब आइए, अब आपको यहाँ पर अब आपका कंजंक्शंस लगाने हैं। एंड लगाइए, बट लगाइए, सो लगाइए, और लगाइए, येट लगाइए, और अपनी गलतियों की भरमार देखिए। आई एंजॉय प्लेइंग द पियानो। My sister prefers playing the guitar. You have to use conjunction. किसी ने कहा but, one dot करके लिखिएगा तो मुझे पता चलेगा कि आप किसका जवाब लिख रहे हैं। किसी ने कहा और, किसी ने कहा एंड, अपना जवाब याद रखिएगा। He went to the grocery store. He forgot to buy milk. He forgot to buy milk. He went to the grocery store. He forgot to buy milk. किसी ने अभी भी कहा but, किसी ने कहा and, but और and की जंग चल रही है। She loves reading novels. She also enjoys watching movies. She also enjoys watching movies. Three dot करके लिखिए। किसी ने और लिखा, किसी ने एंड लिखा, एंड एंड और पता नहीं क्यों आ रहा है।
दे प्रैक्टिस फॉर आवर्स, दे परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन एग्जाम और इन द कॉन्सर्ट. दे प्रैक्टिस फॉर आवर्स, सो किसी ने कहा, सो किसी ने कहा, देयरफॉर किसी ने कहा, एंड. वी कैन गो फॉर अ वॉक, वी कैन ऑल्सो स्टे होम एंड वॉच अ मूवी. वी कैन वॉक, वी कैन गो फॉर अ वॉक, किसी ने कहा और, किसी ने कहा एंड, किसी ने कहा और, किसी ने कहा बट. चले भाई, अब बताइए आपके 5 में से कितने आए, चेक कीजिएगा. आई एंजॉय प्लेइंग द पियानो बट माई सिस्टर, बट ही एंड एंजॉयज एंड द परफॉर्म और वी कैन. अब कितने आए 5 में से, स्कोर मेंशन करें अपना. 3, 5 में से 3. टू स्लैश देखिए, 0, इसका 4, 3, 3, 2, 3. देख रहे कितने बुरे हालात हैं. अभी 20 जुमले करेंगे तो 20 में से पता है क्या स्कोर आएगा, 10, 9, 7. बर्बाद हुए हुए आप लोग कंजंक्शंस में. आपको खुद एहसास हो रहा होगा, यार आई एम वेरी मच वीक इन कंजंक्शंस. तो कंजंक्शंस को स्टडी करना है, सबसे पहला काम पीडीएफ पे जाइए कंजंक्शन की, उसको स्टडी कीजिए, सर के लेक्चर को सुनिए उसका, फिर आखिर में जाकर जब आपको लगे कि अब कुछ बेहतर है हालात, तो फिर जाकर टेस्ट में अपेयर होइए, आज रात सोने से पहले या कल सुबह उठने के बाद. ठीक है भाई, आ गई बात समझ. सर कल आप क्या पढ़ाने वाले, कल 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 देखते हैं क्या आ रहा है. कल का एक एक लिंक जोड़ रहा हूं, एक बात मुझे जोड़नी है, वो जोड़ देता हूँ फिर आप. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब. हम बात कर रहे हैं सिंटेक्स की, हम बात कर रहे हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की. वेन एवर वी क्रिएट अ सेंटेंस, जब भी हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं, तो याद रखें याद रखें याद रखें, जनरली हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है. मैं आज के इस सेशन में सिर्फ एडवर्ब को की डिस्कशन कर रहा हूं कि ये एडवर्ब क्या होता है और ये हमारे वर्ब पे क्या असर डालता है. तमाम स्टूडेंट्स की बहुत तवज्जो की जरूरत है, आपके सारे टेंसेस यहीं से क्लियर हो जाते हैं. एडवर्ब इज अ टाइम एक्सप्रेशन, एडवर्ब इज अ टाइम एक्सप्रेशन. आपको ये जितने भी एडवर्ब्स नजर आ रहे हैं, डेली, ऑलवेज, नॉर्मली, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी संडे, एवरी वीक, एट द मोमेंट, दीज डेज, नाउ डेज, राइट नाउ, नाउ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले ले, ये आपके नोट्स में आपको नहीं मिलेगी ये वाली पिक्चर. रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, बिफोर, येट, सो फार, एवर, ये सारे एडवर्ब्स हैं. सिंस और फॉर प्रेपोजिशंस होते हैं, नीचे चलिए, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, इन चाइल्डहुड, टुमारो, टुनाइट, नेक्स्ट वीक, दे ऑल आर एडवर्ब्स. आप जानते हैं कि आपके एडवर्ब्स का बहुत गहरा ताल्लुक होता है आपके वर्ब से, यकीन नहीं आ रहा, आओ तुम्हें यकीन दिलाते हैं. गौर से देखो इसके आगे जो सेंटेंसेस लिखे हुए, मैं साथ साथ चलूंगा. ही राइट्स अ लेटर एवरी मंथ, ही राइट्स अ लेटर एवरी मंथ. देखिए यहां पर ये जो वर्ब है और आगे जो एडवर्ब है, दोनों का ताल्लुक है. राइट्स का इस्तेमाल हमेशा प्रेजेंट में होता है और एवरी मंथ भी हमेशा प्रेजेंट में हम लगाते हैं. अगर मैं एवरी मंथ को लास्ट मंथ कर दूं, तो देखिए गौर से अपनी स्क्रीन पर कि लास्ट मंथ, जैसे ही मैंने लास्ट मंथ किया, राइट बदल गया रोड. मैं लास्ट मंथ को नेक्स्ट मंथ कर देता हूं, तो
तो मेरा वर्ब बदल गया। क्या एडवर्ब के बदलने से आपके वर्ब पे असर पड़ रहा है? क्या एडवर्ब के बदलने से यस सर, आपके जी सर, वर्ब पढ़ रहा पड़ रहे ना? है, यस सर, पढ़ते हैं, हमें ये एडवर्ब्स को यस, याद करना है, जैसे समटाइम्स, यस्टरडे और टुमारो। समटाइम्स का इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है, यस्टरडे का इस्तेमाल पास्ट में होता है, टुमारो का इस्तेमाल फ्यूचर में होता है। फ्यूचर, तो देखो, कॉल्स, कॉल्ड और विल कॉल। मेरे पास कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं बैठा हुआ जो कहता है, सर जी अच्छा ये राइट्स प्रेजेंट में होता है, रॉट पास्ट में होता है, मुझे तो पता ही नहीं था, आज पहली मरतबा मैंने देखा है, विल राइट फ्यूचर में होता है। तो बेटा ये कोर्स उसके लिए नहीं। अगर आपको ये डिफरेंसेस नहीं समझ आ रहे कि एवरी मंथ, लास्ट मंथ और नेक्स्ट मंथ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है ये, तो बेटा आपका आईक्यू लेवल ही नहीं है इस सेशन को लेने के लिए। आप खुद फैसला कर सकते हैं कि वेदर यू हैव टू ज्वाइन दिस कोर्स और नॉट। अब यहाँ पर जरा देखिएगा और मुझे बताइएगा, यहाँ लिखा है ब्रैकेट में रेन और आगे लिखा हुआ है सिंस। तो अब बताइए, सिंस का इस्तेमाल हम कौन से टेंस में कर रहे होते हैं? गौर से देखिए स्क्रीन के ऊपर। प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में कर रहे प्रोग्रेसिव। तो होते, अब ये जो रेन है ये क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको चेंज करके दिखाइए। इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज इट इज बीन रेनिंग, रनिंग, इट हैज बीन रेनिंग। जब सिंस ऑफ और आता है तो कौन सा टेंस आता है याद कर लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्मेशन आपके नीचे लिखी हुई है। टुमारो लिखा हुआ है। अब ये जो रेन है क्या करूं मैं, एस लगा दूं? इट विल नो, रन, एक्सेलेंट आंसर। इट इट हैज विल। बीन रनिंग, इस पे बेटा थोड़ा हम आगे चले गए, इट रेन टुमारो, इट विल इट रेन विल टुमारो। रन, अगर एट द मोमेंट लगा दूं तो आप बताइए आपका रेन किस में चला जाएगा? इट रेन्स एट द अस्तगफुरुल्लाह, मोमेंट, याद इट इज करेंगे रेनिंग, इट इज ओ रेनिंग, सॉरी सॉरी, याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ये बैठ के याद करना पड़ता है। अगर ऑफन लगाऊं तो बताएं मैं क्या करूं? अगर इट रेन्स, रेन्स, इट इट ऑफन रेन्स, रेन्स, ऑफन इट ऑफन रेन्स, रेन्स हियर। अब आपको एक रेन्स, बात समझ आ रही है, देखिए मेरी एक बात समझ आना शुरू हो गई होगी कि जब हम इस तरह के एडवर्ब्स लगाते हैं वहीं से हमको अंदाजा हो जाता है कि हमें कौन सा टेंस लगाना है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? भाई हमारी जबान पर आ गया एवरी डे, हमारी जबान पर आ गया राइट नाउ, हमारी जबान पर आ गया रिसेंटली। हम वहीं से पहचान लेते हैं, वहीं से पहचान लेते हैं कि यहाँ पर हमें कौन सा वर्ब लगाना चाहिए। ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं। तो ये बहुत ज्यादा शॉर्टकट है आपकी गलतियों को सब काउंटर अटैक करने का। आप अगर ये बात याद कर ले, आपकी गलतियां बहुत सारी खत्म होना शुरू हो जाएंगी। कि दीज डेज के साथ संडे फॉर्मेशन लिख कर दे दिए, मुझे ये इस्तेमाल करना है। दीज डेज आई एम टेकिंग लैंग्वेज क्लासेस, आप कभी ये तो नहीं कहेगी ना, दीज डेज आई टेक लैंग्वेज क्लासेस, These days I am taking language classes। देखिए गलतियां जैसे थोड़ी बात कर कम होंगी, लाजमी रही कम हूँ, यस होंगी। सर, सर हसीब यूजुअली टीच अस ट्वाइस अ वीक, यहां पर मिल टीचर्स, ईएस का टीचर्स, इजाफा, ई एस का इजाफा होगा तो टीचर्स, टीचर्स हो जाएगा। सर टीचर्स, हसीब यूजुअली टीचर्स, टीचर्स प्लीज अस, प्लीज आस्क सर हसीब ट्वाइस अ वीक, यूजुअली टीचर्स अस ट्वाइस अ वीक। टीचर्स, सर हसीब अब राइट नाउ, सर हसीब टीचर्स राइट नाउ, बदल गया आपका वर्ब। सर हसीब इफ टीचिंग राइट नाउ, सर हसीब इज इज टीचिंग टीचिंग अस अस राइट नाउ, सर हसीब इज टीचिंग अस राइट नाउ, सर हसीब राइट, ऑलरेडी टीच अस सर टेंसेस, हसीब ऑलरेडी ऑलरेडी सॉट टीच अस, एक्सेलेंट। टॉट अस, सर हसीब हैज ऑलरेडी टॉट अस टेंसेस। नेक्स्ट वीक, सर हसीब विल टीच अस, एक्सेलेंट आंसर। सर हसीब विल टीच विल अस, बी, नहीं बी कहाँ से है, विल विल टीच, विल टीच। विल टीच, विल टीच, लास्ट वीक, विल सर टॉट, हसीब सर हसीब टॉट अस, अस, टॉट अस कोई सेकंड फॉर्म आई थी, ऐसा तो नहीं टॉट अस जो सेकंड, विल टॉट लगा दे, विल टॉट नो नहीं। सर, नो सर, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये चीज सर विल के साथ कभी सेकंड फॉर्म जिंदगी में नहीं सुनी, हमने सुनी है भाई, हमसे पूछे क्या क्या सुनते हैं हम लोग पूरे दिन में।
रिसीव टॉट अस टेंसेस लास्ट। अब देखिए, अगर ये फर्रा याद हो जाए तो मैं समझता हूं कि आपके टेंसेस की गलतियां बहुत सारी आप एक ही दिन में काउंटर अटैक कर लेंगे। और ये एक सपोर्टिंग लेक्चर है, मेरा आने वाले दिनों में आपके साथ एक सेशन होगा जिसमें मैं आपसे यही कहूंगा कि याद करें, मैंने आपको एडवर्ब का और वर्ब का रिलेशन याद करवाया था, और मैंने कहा था कि ये एडवर्ब्स याद कर लीजिए जो प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, पास्ट टेंसेस में आते हैं, फ्यूचर सिंपल में आते हैं। और मैंने बता दिया था सिंस और फॉर एडवर्ब्स नहीं है, प्रेपोजिशन है, याद कर लीजिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आते हैं। अगर आने वाले दिनों में आपको एक एक्सरसाइज दी जाए, आने वाले दिनों में, अभी नहीं, आने वाले दिनों में आपको एक एक्सरसाइज दी जाए और आपसे कहा जाए कि बताइए, बताते क्यों नहीं, आप खामोश क्यों है, कि यहाँ पर क्या आएगा, और आपको एडवर्ब को देखना होगा आप, और अपने वर्ब को चेंज करना होगा। देखिए बताइए क्या आप ऐसी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। शी रीड जी दैट सर, बुक कर सकती यस्टरडे, हैं। तो शुरू हो जाए, शी रीड दैट बुक यस्टरडे, हैड शी रीड रेड दैट दैट बुक बुक, यस्टरडे। शी रेड दैट ही हैड बुक रेड। यस्टरडे, पास सिंपल, पास सिंपल, शी रेड दैट बुक यस्टरडे। बिफोर का इस्तेमाल मैं याद करवा देता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, ईट प्रॉन। वी हैवेंट, वी वी हैव हैवंट नॉट, ईटन। वेरी गुड, We have not been. वी हैव नॉट ईटन, अभी फॉर्मेशन याद करने में वक्त लगेगा, वी हैव नॉट ईटन We have प्रॉन्स बिफोर। prawns before. थ्री जिसने बताया उसको आज वाटर कूलर गिफ्ट करूंगा। थ्री का जवाब बहुत मुश्किल है, ये आप मुझे चैट में बताएंगे, चैट में देखता हूँ चैट में किसका ये जवाब सही होगा। अभी टेंसेस मैंने पढ़ाए कहाँ है जारा, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी बातें हैं बेटा आपसे, टेंसेस तो एक महीने बाद मेरे शुरू होंगे, अभी तो मैं सिर्फ आपकी फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूँ, जो याद करने के लिए कह रहा हूँ वो याद करें। एक्सेलेंट आंसर भाई, छा गई फातिमा, शुवाइला, अन्नू, छा गई आप। दे हैव बीन टू पेरिस सेवरल टाइम्स, एक्सेलेंट आंसर, ही स्टडी फॉर द एग्जाम राइट नाउ, बताइए इसका जवाब लिखिए। क्वालिफिकेशन बता दीजिएगा जारा मुझे अपनी, ही स्टडी फॉर द एग्जाम्स राइट नाउ, जब आप याद करना है ये आपको कि राइट नाउ का टेंस किस में लगेगा, ही इज स्टडिंग फॉर, तो बेटा फिर तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेंसेस तो आने चाहिए ना आपको, फॉर्मेशन तो सब बच्चों को आनी चाहिए जहन में, लोग बहुत आसान सी बात है कि राइट नाउ और इज स्टडिंग का कोई कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए ना। आई जस्ट फिनिश माई होमवर्क, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाइए, आई हैव जस्ट फिनिश माई होमवर्क, ऑल डे, अब ये कहां पर आएगा, द कैट स्लीप्स ऑन द काउच या इज स्लीपिंग, पूरे दिन सोती रहती है, द कैट स्लीप्स ऑन द काउच ऑल डे, ये आने वाले दिनों में एक्सरसाइज आपके पास आएगी, अभी की नहीं है जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा। लेकिन देखो मैंने एक रिलेशन बता दिया, एक रेफरेंस दे दिया, एक चीज मैंने पहले से तैयार कर दी है, उस वक्त सिर्फ मैं एक डायरेक्शन दूंगा कि जाओ ये एक्सरसाइज सॉल्व करो, और मैंने तुम्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स सिखा दिए, अभी मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में नहीं सिखाया, तो जब मैं सिखाऊंगा तो फिर मैं ये एक्सरसाइज दूंगा, अभी नहीं, ठीक है बेटा। चलिए मैं आपको एक, अभी इस वक्त हमारे पास सेशन चल रहा है 1-to-1 डिस्कशन सेशन, मैं आपको उसका एक लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अभी आपके पास 18 मिनट है, 18 मिनट की आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, मिस परी आपको वहां मिलेगी, मैं भी आपको वहीं मिलूंगा, अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए और जो है 1-to-1 डिस्कशन सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इस कोर्स का बाकायदा तौर पे हिस्सा बनना चाह रहे हैं, अब तक आप नहीं बने हैं, तो आप अपनी फीस सबमिट करवाइए, 7,000 फॉर 3 मंथ्स एंड यू गेट एक्सेस ऑफ 1-to-1 डिस्कशन सेशन फॉर लाइफ टाइम, ज्वाइन कीजिएगा, अपना व्हाट्सएप चेक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।